नमस्ते फ्रेंड्स, हर महादेव जी। आज मैं आपको एक बड़े सिंपल सब्जी भी बना के दिखाने वाली हूँ, जो कि है गाजर आलू और मटर की। तो ये सर्दियों में काफी अच्छी बनती है, टेस्टी, क्योंकि इसमें गाजर भी आती है मीठी मीठी लाल लाल और मटर भी आते ताजा, तो वो टेस्टी सब्जी बनती है। तो चलो शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन कर दूंगी। 2 चम्मच मस्टर्ड डाल दिया, 1 छोटी चम्मच ये जीरा है, 1/2 छोटी चम्मच हींग है। ये मैंने 4 टमाटर की प्यूरी बनाई है, जिसमें 2 हरी मिर्च है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, उनको पीस लेना है मिक्सर में। 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर। मसाले भुन गए हैं, अब ये प्यूरी डाल देनी है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 पाव मटर है जो मैंने छील के धो ली थी, और 4 गाजर हैं और 4 आलू हैं। गाजर को छोटा छोटा इसलिए काटना जरूरी चाहिए कि क्योंकि गाजर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मटर आलू तो फिर भी जल्दी गल जाते हैं, और ये गाजर गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए छोटी छोटी काटनी चाहिए गाजर को। अब गैस का फ्लेम कम कर दें, इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। आलू तो गल गए हैं, अभी गाजर और मटर थोड़े से कच्चे हैं, 2 मिनट और रखना है इसको। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो गई है और ये सब्जी बनके तैयार है। अब इसमें जो कटा हुआ धनिया है, ये जो मैंने काट के रखा था, ये डाल दूंगी। और ये सूखी गाजर आलू मटर की टेस्टी सब्जी तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर दें। आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक थी। आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है अनीता जस्सी ऑल इन वन चैनल। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।